अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आई नाजर, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तेलंगाना के नंबर वन होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली को लेकर है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने मुतालिबा किया कि बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लास मुस्लिम फैमिलीज को 10 लाख रुपए देना चाहिए। जिस तरह से दलित बंधु स्कीम के तहत दलितों को दिया गया, बिल्कुल उसी तरह मुसलमानों को भी देना चाहिए, जो कि हमारे तेलंगाना स्टेट में सिर्फ 1% ऐसे लोग है। तो खैर, बहरहाल इसके बाद जो है तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली ने इसका रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि हम एक ही साथ सबको इस तरह की स्कीम नहीं दे सकते, हल्लू हल्लू ही सही मगर हल्लू हल्लू देंगे। अब ये हल्लू हल्लू चुरके देंगे या तो फिर स्कीम देंगे या तो फिर जो है 12% रिजर्वेशन की तरह बिल्कुल हल्लू हल्लू ही देंगे, ये सोचने वाली बात है। तो भला तेलंगाना के होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मुसलमान अगर तरक्की हासिल कर रहे हैं तो तेलंगाना, तो यहाँ पर तो आज 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 भी ऐसा नहीं है, मैंने इसके लिए भी अलर्ट किया चुका है सर, लेकिन जमीन दी गई है वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, जितना स्टेट में हमारी स्टेट में मुसलमान खुश है कहीं कोई स्टेट में उतना दलित बंधु जैसा स्कीम भी ला दे रहे ना, मुसलमानों के जरूर लाएंगे। एक के बाद ज्यादा बैकवर्ड दलित है, दलित के बाद आने वाले टाइम पे वो कह रहे कि मुसलमान और ज्यादा बैकवर्ड है दलित से, इसके कोई जिम्मेदार है बताइए। कल उन्होंने बयान, कौन जिम्मेदार है? 65 साल किसने हुकूमत किया बताइए। हम लोग तो 8 साल 9 साल में आज हम रेजिडेंशियल स्कूल, आप एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे पास जो रेजिडेंशियल स्कूल है 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे और आज CM साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियाँ फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। वो हमको नज़र नहीं आ रहा। हमारी स्टेट में जितना डेवलपमेंट माइनॉरिटीज का है सारे कौमों का है, ये कोई सोचना गलत तरीका है कि इनके बारे में यकीनन दलित बंधु स्कीम लाई गई। आने वाले टाइम पर CM साहब ने कहा SC ST के लिए भी SC के लिए लाया गया माइनॉरिटीज के और BC के लिए। औरंगाबाद में सर सिटिंग MP है MIM के, वहाँ पर KCR की पार्टी जाकर वहाँ पर प्रचार कर रही है और उनका यहाँ पर कहना है कि हमारी यहाँ तेलंगाना में भी वो कई जिलों में। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।